going to another, we'll conclude our panel with a completely different aspect of Kathak, but another very important one, the physiological impact that Kathak can have. At the end of the day, the body is a medium, and recently I had an injury and I realized that my body was no longer a medium for Kathak for 4 whole months when I was lying on my bed. So how do we take care of it? How does dance affect the body? And how can Kathak be transformative and also therapeutic to us? So handing it over to Professor Anupma Harshal, professor at KC College and a Kathak disciple of the legend Brijraj Mishraji. And she's also had a mentorship under Paulami ji. So handing it over to her for this topic in which I believe she has worked with her husband Harshal Vadapikar as well as Paulami ji. Namaste. वैसे यहाँ पर उपस्थित गुणीजनों के सामने मैं अपने आप को बहुत ही अस्मित महसूस करती हूँ बिकॉज मेरे मेंटर और मेरे काफ़ी सीनियर्स यहाँ हैं. मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक शोध पत्र जो हमने एक रिसर्च पेपर जो हमने एक लाइव स्टडी से किया है. द टॉक इज़ ऑन फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट और द इम्पैक्ट ऑफ कथक ऑन ऑल ऑफ अस. आई विल कम टू दैट. फॉर द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन we have I'm taking a live study which has been you know primarily investigated under the Brijraj Mishra Kala Foundation by my husband who is a tabla player Mr. Harshal Vadolikar, my mentor Paulami Didi. We have one neurologist Dr. Ashwini Nandoskar, one neonatal physiotherapist Dr. Pooja Rajput, one oncologist Dr. Anand Sharma and myself. I have kind of correlated all the threads. This is actually a live study where my husband plays music, and therefore we looked at two students that he was, you know, just as a, in the process of teaching. One of the child is suffering from ASD, which has a score of 10, which is almost clear to, you know, being close to the Asperger's syndrome, and the other is an unscored pattern. I'm not revealing their names, but their parents have been taken into consideration, and from the example of this study, I'm going to drive home. मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे म्यूज़िक का उन पर थेरेप्यूटिक इफेक्ट हुआ है. एंड आई एम श्योर थोड़े रिसर्च पेपर्स के फाइंडिंग्स जिनमें उन्होंने डांस का इम्पैक्ट लिया है ऑन अ फिजियोलॉजिकल लेवल. एंड जैसा कि सुनील ने कहा फिजियोलॉजी वो वर्ड आया है, तो आई विल डेफिनेटली टच ऑन बोन रिजॉर्प्शन एंड ऑब्वियसली पॉस्चर टू सेटिएट द टॉपिक. ये दो सब्जेक्ट्स को हमने स्कोर किया ए और बी, और इनका स्कोर था 0 और 10. एक बच्चा जो 10 था जिसको प्रॉपर एस्पर्जर सिंड्रोम था, वो आवाज़ यानी कि जरा सा भी रिदम या बीट को टॉलरेट नहीं करता था एंड छुप के कमरे में इस आवाज़ से दूर जाकर बैठ जाता था. जैसे मैंने कहा कि इन दोनों को हम जानते थे, इसलिए हम ये स्टडी बहुत आसानी से कर पाए. एक जो बच्चा था वो बहुत अग्रेसिव था, वो नॉर्मल स्कूल नहीं जा पा रहा था, उसको यू नो काफ़ी मस्क्यूलर प्रॉब्लम्स था, तो वो पॉस्चर भी उसका ठीक नहीं था. बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब एज अ टीचर उनको यू नो इस सर्कल में लिया गया हर्षल को, तब तबला के लेसन्स जो वो उनके फादर को बता रहा था कि मैं ये सिखाऊंगा, या जैसे दीदी ने कहा कि वो व्हाट विल बी द वे, मैं कैसे किस तरह से जाऊंगा जिससे बच्चा एग्ज़ाम दे सके या चार लोगों को फेस कर सके, तो इस क्रिया में जब वो उनके फादर से बात कर रहे थे तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्टेड दिखा. एंड ग्रेजुअली उसने वो क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कहा, बिकॉज ऐसे केसेस में आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप बैठो. सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट थी कि वो तबला पे बच्चा हाथ भी नहीं रख पा रहा था और उसका पॉस्चर भी स्टेबल नहीं था, बट धीरे धीरे काफ़ी वो स्थिर होता गया. आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने ये JNU में पेपर सबमिट किया था, और वो पेपर सबमिशन के बाद संगीत नाटक अकेडमी में, उस पेपर सबमिशन के बाद उस बच्चे ने प्रारंभिक की परीक्षा दी, नहीं शायद प्रवेशी का प्रथम, और उसे विशेष योग्यता मिली. और हमने ये उचित नहीं समझा कि हम एग्जामिनर को बताएं कि वो बच्चा स्केल अभी तक उसका हुआ नहीं बिकॉज वो बच्चा दे नहीं पाया था, लेकिन ये डेफिनेटली डिफरेंटली एबल्ड है. और हमने सोचा कि शायद कोई कंसेशन ना लगे, कई बार एग्जामिनर थोड़ा उसको डिफरेंटली परसीव करते हैं, तो हमारे पास कुछ मेडिकल इतना कॉन्क्रीट नहीं था, बट वो बच्चा विशेष योग्यता से पास हुआ. उसके बाद उसके हमने काफ़ी वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए जहाँ पर उसको उसने डेफिनेशंस वगैरह याद की और उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया. और एक अद्भुत क्रिया जो इसमें हुई वो ये थी कि वो बच्चा काफ़ी जो अग्रेसिव था या जो बहुत गुस्सा करता था, बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, मिक्स नहीं हो पाता था, उसमें एक बहुत डाइवर्स चेंज दिखा. उन लोगों ने जिस स्कूल में वो बच्चा जाता था उनके टीचर्स को घर पे बुलाया, उस बच्चे ने 10वीं का एग्ज़ाम दिया और उसे 60% मार्क्स मिले हैं. सो समवेयर द एंटायर क्रेडिट जो पूरा उसका श्रेय वो तबला सर को गया कि उन्होंने यू नो उसको मोटिवेट करके, या जैसे भी, वो बच्चा भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड था
एंड ही रिस्पॉन्डेड. तो मैंने दोनों केस इसलिए मेंशन किए क्योंकि जो एक बच्चा जो ऑलरेडी क्लासिफाइड था जिसका स्कोर 10 था वो बिल्कुल इस बीट से छुप कर अलग से हट कर चला गया था, और ये जो बच्चा था जो इन प्रोसेस था उसने ठीक से कोऑपरेट किया, काफ़ी अच्छे से उसने वो किया, काफ़ी उसके मस्क्यूलर मूवमेंट्स में चेंज आया, उसका पॉस्चर काफ़ी हद तक सुधरा. तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस थे जो हमको फिजियोथेरेपिस्ट ने, उसके डॉक्टर ने और उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आए थे जो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत सोशली बहुत एक्सेप्टेबल पैरामीटर हो गया. बच्चा भी खुश था बिकॉज अब और बच्चे उसे यू नो साइडलाइन नहीं कर रहे थे. एंड अनदर थिंग वॉज कि वो अपने आप को कैरी कर पा रहा था. पहले ऐसा हो रहा था कि मदर को एक यू नो 16-17 ईयर ओल्ड बच्चे को उठा के ले जाना, जो फुल ग्रोन बॉय था, ही वॉज नियर मेच्योरिटी नियर प्यूबर्टी, सो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो गया था. बट नाउ द चाइल्ड इज एबल टू मैनेज, मतलब वो अपनी रोज़मर्रा के काम काफ़ी हद तक, एटलीस्ट उसका पॉस्चर एक है तो वो बैठने के टाइम गिर जाना या वो इंजरी जो कॉज हो रहा था तो थोड़ा सा एक जो स्ट्रेस लेवल था पेरेंट्स के लिए काफ़ी सोशल एक्सेप्टेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ. इसके बाद ऑब्वियसली स्टडी हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो हम दोनों ने सीनियर स्कॉलरशिप के लिए लिखा है ये प्रोजेक्ट, एंड वी आर होपिंग कि हमें अगर कुछ फंडिंग मिलती है तो हम ये प्रोजेक्ट को आगे ले जा पाएंगे एंड और ऐसे लोगों से बन पाएंगे. बिकॉज JNU में हम काफ़ी लोगों से मिले थे, अपोलो के चेन्नई के लोगों से भी, जिससे हम इनको नेट करके एक डेटाबेस या कोई एक अप्रोच पेडागोजिकल टूल जैसा कहा कि ऐसे बच्चों को कैसे इंक्लूड करके सिखाया जाए जिससे वो भी एक मेन स्ट्रीम में आकर यू नो महसूस ना करें कि वो साइडलाइन है, और ये जो इम्पैक्ट और पॉजिटिविटी है ये वो अपने और बच्चों के साथ शेयर कर सकें, एक्सेप्टेंस थोड़ा उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा. इसकी इस प्रयास में हमने काफ़ी सारे पेपर्स, जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 200-250 पेपर्स हमने चेकआउट किए एज अ रेफरेंसिंग. इनमें काफ़ी बार मतलब एज अ डांसर मुझे यू नो आई रियलाइज कि डांस इज़ रियली नॉट अ मोमेंट और एन एक्टिविटी डन फॉर लीजर. यानी हमें कुछ और नहीं मिल रहा है इसलिए हमें ये करना है. शायद हम कई बार शुरू एक डिफरेंट एज ग्रुप से करते हैं तो हम इस भाव से शुरू करते हैं, बट बाद में हम उसमें काफ़ी एब्जॉर्ब होते जाते हैं और हमें खुद को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ हैं. जैसे कि दीदी ने कहा कि हम अपने टीचर से या टीचर की सोच से या टीचर के स्टाइल से थोड़ा बनते जाते हैं, और उससे हमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स जो शायद हमारे लिए इतने मार्क ना हो लेकिन टीचर के लिए या ऑब्जर्वर के लिए डेफिनेटली होते हैं. ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं शेयर करना चाहूँगी कि डांस के मूवमेंट्स से ये जो रिदम है, जैसे कि आज हम सभी ने ऑलमोस्ट हम 6 बजे से आप सभी को ड्रिल कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि ब्रेन इनको याद रखता है. तो जैसे हमने कोई प्रोग्राम देखा उसके थोड़े देर बाद हम अपने घर चले गए तो सर ने तो कहा कि कई दिनों तक ये आपको इन्फ्लुएंस करता है, तो ये डेफिनेटली आपका ब्रेन रिमेंबर करता है और वो रेजोनेट करता है. एंड आपको ये कई बार फील होगा कि सिचुएशन में आप हैं जहाँ आपको रिएक्ट करना है लेकिन आप रिएक्ट ना करके आपको सडनली कई बार मुझे अभी तक याद है कि हमने वो संस्कृति फेस्टिवल किया था और वहाँ पे कुचिपुड़ी डांसर थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, आई थिंक आई विल बी मीटिंग हर अगेन. तब उन्होंने द्रौपदी का वो एक स्टैंड एक्सप्रेस किया था कि इतनी ब्यूटीफुल द्रौपदी नहीं सॉरी गांधारी तो उन्होंने गांधारी का पात्र डिपिक्ट किया था कि कैसे वो एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी और कैसे उनको अपनी शादी की रात को ज्ञात होता है कि वो शी इज़ मैरिड टू अ ब्लाइंड प्रिंस एंड तब से वो ब्लाइंड फोल्ड मतलब वो करती हैं. बट उस मोमेंट का वो जो इमोशन है, वो जो एक उनका मैं कहूँगी उनका जो एक यौवन है जो एकदम स्पर्ट आउट होकर और सडनली एकदम डाउन हो जाता है, वो मोमेंट आई इवन टुडे इट काइंड ऑफ आई एम स्टिल नॉट एबल टू कम आउट. मतलब वो ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक मुझे ऐसा लगा कि इफ शी कुड डू इट, देर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस दैट आई फेस और मेनी अदर पीपल फेस वेर आई हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड हाउ टू मेक दैट सिचुएशन ब्यूटिफुल. लाइक उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने वो पट्टी अपने आँख पे बांधी और सडनली उन्होंने यू नो इट कट हर यूथ, इट कट हर पैशन, इट जस्ट कट अबाउट एवरीथिंग दैट अ यंग ब्राइट डिजायर्स. सो दैट कनेक्टिविटी आई फेल्ट कि बहुत सारे सिचुएशंस में हम अपने आप को पाते हैं एंड रियली इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, बट उस सिचुएशन से कैसे हम उभर के उसी को और ब्यूटिफुल बना के और वहीं से अपने जीवन का सूत्र आगे ले जाएं. तो मतलब वो भी एक सोच थी जो मेरे लिए फ्रॉम अ कुचिपुड़ी स्टाइल इट केम टू मी बट इट रियली इन्फ्लुएंस्ड मी. अनदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी कि वो कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से टीचर या मेंटर आपको सिखाता है, जैसे एक ये टीचिंग स्टाइल है कि सेज ऑन स्टेज, यानी कि एक टीचर है जो बता रहा है और आप सुन रहे हो. अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप सीनियोरिटी जाते हो
the teacher becomes the guide by your side, you know, who will say, "Acha, tum ek kaam karo, tum mat karo. Tum aaj bhi dekho, main kaise kar rahi hu, kaise, you know, banathan aayi, sham pyari rahe, kaise banathan aayi, dekho tum. Phir dekho, ghar ja ke shishe ke saamne chudi pehno, ki kaise chudi pehnte hain. So now, suddenly it becomes from the sage on the stage to a, you know, guide by your side. To us process mein aapka jo learning hota hai, tab aap sach mein aapka jo ek अंदर की एनर्जी है वो चैनलाइज होती है, एक 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 सोच होती है जो आपके इमोशन को गाइड करती है, जो आपको बहुत मैच्योरिटी देती है. एंड सडनली आपको लगता है कि लाइक सर ने कहा आप इमिटेट करो, एंड यू फील कि नहीं आप इमिटेट कर रहे थे, लेकिन सडनली आपके टीचर जो आपको बोल के देखेगी कि बोले कि नहीं आप इमिटेट नहीं कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा पार्ट आपने अपना किया, बिकॉज आप कम्प्लीटली वो कैरेक्टर में ढल गए हो. तो आपकी जो सोच है वो उस तरह से ढलने लगती है काफ़ी हद तक. तीसरी एक बात जो है, जो अगर आपने देखा है कि बहुत सारे क्लासेस में देर इज़ अ वे टू कंडक्ट द क्लास, तो बहुत सारी जगह पे एक एक्सरसाइजेस का रेजीम होता है, या जैसे हम सभी दिशाओं को फोल्ड करके और फिर हाथ को वापस लाना बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं. तो इवन दीदी इंसिस्ट करते हैं कि पूरी क्लास में सब बैठे रहेंगे, ये नहीं कि एक बैच आया 6:30 से 7:30 बजे चला गया, 7:30 से 8:30 बजे वो चला गया. मतलब उनके घर हम जाते हैं तो हम वैसे खाना खा के ही आते हैं, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि 10 बजे से 2 बजे तक हम नॉन स्टॉप बैच ए बी सी डी सबको देखते हैं. तो उससे क्या होता है, एक एकाग्रता, यू नो विच वी से इन क्लास द बेस्ट विटामिन टू हैव एवरी डे इज B1, यानी कि बी टुगेदर. जो हम जो एकाग्रता होती है वो एक बिल्ड होती है. सो एवरीबडी कम्स टू नो अबाउट ईच अदर. एंड इसको हम डांस में कैसे यूज़ करते हैं, टिपिकली लाइक सर सेड इन कोरियोग्राफी, आप देखेंगे कि 3 है या 5 है तो सडनली इन अ ग्रुप यू गेट आउट द इंडिविजुअल. So this, as a teacher, the credit goes to them, but they also understand the skill. So you will find that they'll make somebody in between the flower, somebody on the right to go this way, and somebody on the left to go that way. Now this is a very, very important teaching lesson for, even for personally me, because in a group, all three are giving individual expressions. And all three are very happy because I am the flower, you know, the other one drops down, so we are not doing same. So you know, we are not doing same. So wo kahin to ek group mein individuality ko lana, वो आपके सेल्फ एस्टीम को बहुत हद तक रेज करती है कि नहीं आई एम नॉट एबल टू डू दैट बट आई एम एबल टू डू दिस बेटर. एंड वो उसी में फिर वो चाइल्ड का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है. अनदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हियर इज, जैसे आई थिंक सुनील ने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि सभी चीज़ एक्चुअली हमारे स्पाइन के अराउंड रोटेट करते हैं. बींग बायोलॉजिस्ट आई थिंक वी लगरी कि हम बहुत टाइम ऐसे बोलते हैं ये एक इमेजिनरी एक्सेस है, ये एक इमेजिनरी एक्सेस है, बट वाकई कथक डांस में अगर हम जैसे बहुत सारे गुरुओं से जब इंटरेक्ट करते हैं तब पता चलता है कि उनका जो सिखाने का स्टाइल है, जो बताने का स्टाइल है, वो यही है कि डांस करने के बाद आपकी एकाग्रता और आपकी अंतरात्मा जागृत होनी चाहिए. यू शुड फील एनर्जाइज. अगर आप थक रहे हो और आपके थाइज में दर्द हो रहा है या आपका पीठ दर्द हो रहा है तो आप कहीं पर गलत कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग इट द राइट वे. सो इट शुड नॉट हैपन दैट वे. तो आपका जो भी मूवमेंट है, जो भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिमेट्री, वो अलग अलग घराने उसको अपनी तरह से एम्फसाइज करते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू यूज़ योर स्पाइन. मतलब मैंने ममता दीदी से और पॉलवी दीदी से भी काफ़ी बार सुना है, बट ये हमेशा कि 6 महीने तक बस हम ये हाथ कर रहे थे, 6 महीने तक हम ये हाथ कर रहे थे एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. सो नाउ वी अंडरस्टैंड, वो जो एकदम से हम सारा करने को देखते हैं, ऑब्वियसली हमारी थाई या हमारा हाथ सडनली बिल्कुल ऐसा रहता है कि आप सुमर से घर से जाके कुछ काम नहीं होगा. यू नो आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. नॉट दैट हम घर पे बहुत काम करते हैं, बिकॉज आप देखिए आजकल के बच्चों को सिर्फ इतना खड़ा रहने के लिए भी हाथ दुख गया है, यू नो पोस्चर गिर गया है. जबकि इफ़ यू टेक आवर टाइम्स वी वर मोर हार्ड वर्किंग, वी हैड मोर थिंग्स टू डू, बट नेवरदलेस तो वो सिर्फ स्टेबल पोस्चर में ही रख पाना बहुत डिफिकल्ट है. तो कहीं उनको ये अंडरस्टैंड करवाना कि इफ इट इज हर्टिंग और पेनिंग, इट्स नॉट बीइंग डन द राइट वे, बिकॉज इट हैज टू गो अराउंड एन इमेजिनरी एक्सेस विच इज योर स्पाइन. एंड अगेन इन द मूवमेंट्स मेनी पीपल से दिस इज अ चीप मूवमेंट, दिस इज द वे ये मंथ के आना चाहिए, कंपोज्ड वे में आना चाहिए. तो वहाँ पर अगेन मैंने इन दोनों से काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करके भी सीखा कि योर बॉडी डजेंट हैव टू बी थ्रोन, योर मूवमेंट हैज टू बी फॉलोड, बट बॉडी डजेंट हैव टू बी थ्रोन. सो योर बॉडी टर्निंग इज नॉट द राइट वे टू डू इट. सो दैट अगेन वाई आई एम एम्फसाइजिंग हियर इज बिकॉज आई एम टेकिंग अ पेपर ऑफ जनवरी 18 विच इज़ बाई ट्रा पेताल, विच एक्चुअली सेज that mild exercise when it is done in the form of a dance or footwork. I'm sure this topic is open to everybody including the stalwarts here, that there is no documented study for Kathak, but we can definitely use it. But mild footwork, flowing of hands, thumping of feet is reported to cause bone reabsorption. Yes. Bone resorption, which helps in posture and which is known to strengthen the lower spine.
So that is like a very, very recent paper. It's not an old paper. But because when you're working, we work with SEN or special educational need children, and you want them to actually happen. But this is a documented study in a Thai group of women aged from 25 to 45. So it says bone resorption. यानी कि बोन में कैल्शियम बिल्ड हो रहा है सो अगर ये करेक्ट पॉस्चर से किया जाए तो आपके लोअर स्पाइन को काफ़ी वर्क करेगा इसलिए अगर आप देखें तो आपको कई बार कहा जाता है कि अपने बॉडी कॉन्टोर के हिसाब से वी बना के खड़े रहो तो हालांकि टीचर कहती है वी बना के लेकिन हम सब अपने अपने लाइक सम ऑफ अस आर ग्रोन अप आप कुछ थोड़े हम थोड़े मोटे होते तो हम थोड़ा पैर में लेकिन वो पैर एकदम दूर रखना इज़ नॉट गुड बिकॉज आपका पेल्विक का स्ट्रक्चर फिर वो थोड़ा सा ये हो जाएगा और एक बात अगर आपने ऑब्जर्व की होगी कि अगेन आई एम कोटिंग अनदर डिसम्बर पेपर कि ये क्रिया अगर आपने स्टॉप कर दी तो देर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू विल पुट ऑन वेट बिकॉज नाउ योर बॉडी हैज टेकन दिस रिदम और दिस बीट एंड इट रिमेंबर्स कि जब भी ये बीट होगा तो हमको बस रीअब्सॉर्ब करना है तो नाउ द बॉडी इज इन अ फेज ऑफ ग्रोथ सो देर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर आप डांस करते करते सडनली आपने 6 महीने छोड़ दिया तो पता चलेगा कि आप थोड़ा मोटे या यू नो स्पेशली एट द पेल्विक गर्ड मोर देन 80% ऑफ द पीपल इन दिस रूम सम पॉइंट एट द अदर आई एम टू स्मॉल टू कम इन बट आई हैव जस्ट टेकन अ रिसोर्स पेपर व्हेन आई सेड मोमेंट यू स्टॉप रियाज फॉर व्हाटएवर रीजन दैट इज अ ट्यू मींस दैट द रियाज हैज टू कंटीन्यूअस बट आई जस्ट क्रिया अनुमति बिकॉज़ इट्स अ बोन रीज ऑप्शन एंड अर्चना जी की आपने बात की तो मैंने बहुत सुंदर वीडियो देखा था कुछ एक दो महीने पहले अबाउट अ गर्ल हु हैड पोलियो उम अर्चना जी वाज टीचिंग फॉर मेनी इयर्स हु cured from it like the her bone yes. got because of resorption yeah. she got strength in her bones and she could dance without the crutches and she like gave a performance yeah. so I think there was an entire like an ad yes. or a, like a 5-minute video clip which I saw on Facebook yeah. which was very beautiful which is this exact concept which you just mentioned of yes. resorption happening and another similar incident not in Kathak but shared by Kathak ji in one of the workshops yes, was yes, where yes. she was talking about a using hasta mudras in order to energize all the nerves. No, so she was on the wheelchair. On the cousin, wheelchair. Dr. Kazafeli's cousin had an accident and she was on the wheelchair. And just aise hi Kanak she started working with her. There's a mudra therapy. I was just coming to that as a part of my last thing because Sunil will agree that like half scientists are slightly mad that they keep reading books on philosophy and just about everything. There was just this little book that I found on positive thinking where you will actually, even it was a disclaimer for me that these are actually acupressure points for endorphins. Yes. Okay, so they said so, that actually a lot of, I don't know which clan, but a lot of some Aniruddha Bapu or something like that, yeah, where they actually do the mudras. And believe me, that's why it intrigued me because I just attended one of the sessions and I picked up this book and I found that these are points for acupressure for endorphins. So that is why in the class, clapping, mudras to be done by all, and this holistic approach, but they said very clearly that this has a physiological attribute that when you clap, that's why you will see that when you're in nursery KG, you clap more. By the time you come in, oh, it's not good, I don't clap. So somewhere your ego is telling, arey, clap kar do, it's for your own good. You know, when you clap, actually it releases endorphins, which gives you a very positive energy. So it was just taking a real life example and how we grow, and during the growth pattern, we tend to say that, oh, I don't like it, okay, so it's okay. Agar dekho itna clap milega. But it encourages you to clap because there is a reported study which says that it releases endorphins. Yes. In fact, in Chinese medicine, they use it as acupressure points very specifically. And they prefer, in fact, even now you will see a lot of videos which talk about the nails being pressed. So as a holistic approach to dance, I'm sure all the gurus here will agree that some part of this, when it is done and it is also explained, it will definitely generate interest, I don't know of the children, but definitely of the higher age groups because it is going to be beneficial to them. So, Anu, I want to ask you one thing. Why doesn't, like, we have the physiotherapy. Now, Sunil is also under level physiotherapy. But don't you think physiotherapy, just doing the exercises and doing it with music would have a major effect? Or has there been any combination, as you're saying, like yes. soft dance movement? Dance movement therapy is where they combine music so and are there any studies in that? There is a I coherence report which again is in Schwartz paper where they've actually reported that the beat is what helps the brain to recuperate. So the movement with the beat is a better option. So that is why it is said that even if you have like let's say 5 classes which are normal where the teacher does, it is still good. I've seen many teachers take stick, even in Kathak, they take the stick because the beat helps the brain to remember and it resonates with the brain.
So a lot of teachers, you will see that they clap, although we don't usually clap in Kathak, but I've seen many teachers with stick and I've seen many teachers with clap, although Bharatanatyam follows a regime where they use it. And many teachers have seen ki five classes mein ek class tabla class tabla sir ke saath ya harmonium ke saath ya fir koi jaise visharat ka bachcha hai ki aap jaisa bhi baja rahe ho dhadin dinda bajao, lekin the beat it seems resonates with the brain, which the brain remembers and therefore enhances the learning process. So I am too small to recommend here, but nevertheless it is definitely an added advantage. But just the movement alone or just the beat alone have their own significance. But like they say, Sunil will agree, something like attenuation. So it is about 500 fold. So if this affects 80 and this affects 100, together they bring a 500 fold manifestation. So endorphins, remembering by the brain, the beat. Nahi, last time teacher ne aise kiya tha, tabla baj raha tha, mujhe yaad hai ki yahan par. So wo thoda jyada der tak yaad rehta hai, bahut jyada body bhi imbibe karta hai aur brain bhi remember karta hai. And because uska definite coherence hai, it works to the advantage of the teacher. I'd just like to say thanks. If there are any questions, I'm sure all of them I are here to answer. You did a wonderful job in a short, but yes. Putting across all the points. Yes. And especially I think it's most important today's time when we are wanting to bring people into our Kathak fold. Yes. In the olden days, all of this, our entire Indian gyan, the sort of slight problem is that, you know, everything is not explained. Everything is beneficial in a hidden way. Yeah. But in today's time, you have to tell everybody that this is benefit for you. Agar tum 5 minute tatkar karoge to tumhe ye sari medical benefits honge to automatically. Aur agar tum 10 minute swara alapna karoge to tumhara BP kam ho jayega to kal aa jayenge log karne ke liye. This is a true fact. It is a fact. You have to tell people, give them more benefits. So all the points that you gave us were really jaane ki to usme workout karenge. Very good points that you gave us. Fayda har koi lena chahta hai. Any conjugation clapping. Yeah.